ये हमें जीवन के दो लाभ हैं प्रियजनों, एक है जन्म लाभ और दूसरा है परम लाभ। और परम लाभ क्या है? भगवान श्री कृष्ण की पराभक्ति और हेतु की भक्ति, यही परम लाभ है। उनकी लीला का गान श्रवण कीर्तन करना, यही तो परम लाभ है। यानी आपकी दैनिक दिनचर्या में, जीवन में सेवा सत्संग के लिए समय निकालना, ये परम आवश्यक है। नहीं तो पूरा जीवन जिन विषयों में आपका निकल गया, अंत में भी वही नहीं विषयों का स्मरण होगा। इसलिए आचार्य चरण हमें आज्ञा करते हैं, कृष्ण सेवा सदा कार्य, सदा श्री कृष्ण की, श्री ठाकुर जी की सेवा सदा करते रहना चाहिए। सेवा भी दो प्रकार की, एक है स्वरूप सेवा और दूसरी है नाम सेवा। घर में ठाकुर जी को पधराकर वह स्वरूप में आसक्ति रखें, वह स्वरूप सेवा। और नाम सेवा, जैसे अभी आप, हम सब यहां पे, आप अपनी कर्णेंद्रिय पवित्र कर रहे हैं, मैं अपनी जिह्वा पवित्र कर रहा हूं, ये जो सत्संग हो रहा है ये भी तो नाम सेवा है, ये नाम सेवा। तो ये दोनों सेवा सदा होनी चाहिए और दोनों एक दूसरे के पूरक है। नाम सेवा के साथ स्वरूप सेवा भी आवश्यक है और स्वरूप सेवा के साथ नाम सेवा भी आवश्यक है। अब कथा में हम सुनते हैं कि कृष्ण की ऐसी लीलाएं, ऐसा स्वरूप है, इतना उसका सौंदर्य है, लेकिन वो कृष्ण है कैसे, कैसे दिखते हैं? जब स्वरूप का ध्यान करना होगा तो आप कौन से स्वरूप को ध्यान में लाओगे? कोई एक स्वरूप तो चाहिए कि नहीं ध्यान के लिए? आपने सुना कथा में कृष्ण ऐसे हैं, उनका ऐसा स्वरूप है, ऐसी लीलाएं हैं, लेकिन वो स्वरूप के दर्शन कहां पे होंगे? वो स्वरूप का ध्यान, कौन से स्वरूप का ध्यान धरोगे आप? आपके घर में विराजे हुए जो श्री आपके ठाकुर जी हैं, जब आप नाम सेवा करते हो तो वह नाम सेवा में आपके घर में विराजे हुए स्वरूप जो हैं, वह स्वरूप का अनुसंधान होना चाहिए। और जब आप घर में स्वरूप सेवा करते हैं तो आपको, आपने जो सुना नाम सेवा की, उस नाम सेवा का अनुसंधान होना चाहिए कि ये जितनी भी लीला करने वाले हैं मैं उन्हीं की घर में सेवा कर रहा हूं, और मैं जिनके घर में, मैं जिनकी सेवा कर रहा हूं, उन्हीं की कथा में सुनकर मैं आया हूं। यानी एक दूसरे के पूरक। बाकी यहां पे कृष्ण की चर्चा बड़ी हुई, लेकिन वो कृष्ण है कैसा दिखने में, उसके लिए स्वरूप कौन सा? इसलिए हम वो स्वरूप ध्यान रहे अपने घर में ठाकुर जी को पधराकर आचार्य चरण आज्ञा करते हैं, कृष्ण सेवा सदा कार्य, कृष्ण को अपने घर में पधराकर सेव कराकर उनकी सेवा करो।